नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 11th स्टडीज में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अकाउंट के सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में। तो दोस्तों अपनी वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका है बिजनेस ट्रांजेक्शन। द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट एंटर इंटू बाय टू पार्टीज एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बता दूँ, द टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जिसका मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसमें कोई फाइनेंशियल, देखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन वाइट हम उसी ट्रांजेक्शन कहेंगे जो हमारे पैसे से रिलेटेड, जो हमारे बिजनेस में पैसे से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो। जैसे कि हमने बिजनेस के लिए अपने बिजनेस खोला है, उसके लिए हमने गुड्स खरीदे, वो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन में गिना जाएगा। हमने उसके लिए सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं और भी चीज़ें हमें होती हैं, जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, टेबल कुर्सी चेयर, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएंगी। लेकिन अगर हमने उसी के साथ अपने घर का, रहने वाले घर का बिल भरा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, जितनी भी चीज़ें बिजनेस से हम, जैसे कोई भी चीज़ हमने बिजनेस के रिलेटेड खरीदी, अपने बिजनेस के लिए खरीदी, वो हमारी कहलाएगी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। कितनी बिजनेस के रिलेटेड कोई भी चीज़, आप बिजनेस का बिल भी भर रहे हैं, वो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। लेकिन अगर अपना घर का बिल भर रहे हैं तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा। एग्जाम्पल है इसका सेल्स ऑफ गुड की सेल करना, परचेज ऑफ गुड्स खरीदना गुड्स को, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर से मतलब आप रिसिप्ट लेना, रिसिप्ट मतलब आपको आगे बताऊंगा, गारंटी बताऊंगा, आगे आएगा इसके बाद। पेमेंट क्रेडिटर मतलब उधार, परचेस और सेल ऑफ गुड, ये सारे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में आते हैं। और चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं अकाउंट में। दूसरा आपका अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड वेदर कैश और क्रेडिट और शोन परचेज अकाउंट। अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है। अकाउंट क्या होता है, देखिए अकाउंट वही होता है जिसमें आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी हुई हुई चीज़ों को, आपने कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना आपका कैश में आया, कितना आपका उधार में गया, ये सारी चीज़ आप एक अकाउंट में लिखते हैं। अकाउंट मतलब अकाउंट वो चीज़ होती है जिसमें आप पूरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को पूरा कॉपी के रूप में, एक बुक के रूप में आप उसमें लिखते हैं, कितना हमारा परचेज हुआ, कितना हमारा सेल्स हुआ, कितना लोग उधार मिलेगा, कितना लोग हमें मतलब वापस आया कि नहीं आया, वो सब तो उसमें आप निकाल लेंगे। मैं ये चीज़ आप इसमें अकाउंट में लिखते हैं। तो आपका थर्ड है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रॉपर्टी और पार्टनर इन द बिजनेस। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो एक प्रॉपर्टी का मतलब मालिक। कैपिटल देखिए वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर वो बंदा होता है जो मालिक होता है उस बिजनेस का। और वो जितना पैसा लगाएगा, जैसे आप शुरुआत करा बिजनेस, आपने आप चाहे 10,000 लगाइए, 20,000 लगाइए, 50,000 लगाइए, जितना भी आप लगाएंगे शुरुआत में, वो होता है हमारा कैपिटल। आप जितनी चीज़ें, जितने पैसा, जितना चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने घर से भी कुछ लगा सकते हैं, टेबल कुर्सी आप लेगा, वो भी इन्वेस्ट करना, वो भी कैपिटल में आएगा। आपने कुछ इन्वेस्ट करा बिजनेस पे, वो चीज़ हमारी आती है कैपिटल में। अब देख लीजिए, इट इज़ द केस ऑफ कंपनी कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैनी एंड दे आर नॉन एज शेयर होल्डर। देखिए कैपिटल जो है वो, अगर आप शेयर अपना खोल देंगे तो वो आपका शेयर होल्डर उसमें भी बढ़ जाएगा, आपका सारा कैपिटल। उन लोगों को भी कुछ कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल, क्योंकि अगर आप शेयर अपने खोल देंगे कंपनी के तो लोग वो आपके जब कंपनी में आपका जो इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपका एक कैपिटल ही माना जाएगा। कैपिटल इज आल्सो नॉन एज ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल ऑनर इक्विटी, ऑनर की मतलब उसके पैसे, उसकी मतलब ताकत को दर्शाता है। नेटवर्थ उसके पास कितना पैसा है, इसको भी दर्शाता है। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एसेट लेस लायबिलिटी। ये हर बार एसेट को लेस कर देंगे, अगर आप लायबिलिटी से, एसेट मतलब आपके कितना, आपके पास एसेट गुड्स कितना, मतलब आपके पास सामान कितना है, उसमें से आपके खर्चे को माइनस कर दें, आपकी इनकम में मतलब आपके आपके चीज़ों में से आपकी खर्चे को माइनस करके जो निकलेगा वो आपका कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो आप प्रॉपर्टी है उसके साथ जो पार्टनर होता है वो गुड को निकाल ले कंपनी से, बिजनेस में जो उसने बिजनेस, मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए किसी भी चीज़ का बिजनेस, आपका मान लीजिए चिप, आपका आपका मिल्क की दुकान है, दूध की, दूध आया आपके यहाँ, आपने क्या करा, दूध को आपने बेचने के लिए जो दूध रखा था
वो मान लीजिए आपका 20 रुपये का था और आप उनको बेचते हैं 24 रुपये में, तो मैं बताइए, अगर आपने मान लो आपके घर में कोई आया, आप अपने दुकान से ही उसी को आपने 1 लीटर दूध दे दिया 20 रुपये का, तो आप 20 रुपये का जो दूध है वो आपको, मतलब आप ये नहीं कह, आप ये अपनी किताब में ये नहीं लिखेंगे कि आपको 24 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि आपको तो वो 20 रुपये का पड़ा था, आप बेचने वाले थे, आप 20 रुपये में बेचे जाए 23 रुपये में बेचते, लेकिन आपको जितना पड़ा आपका उतने का ही आप लिखेंगे बुक्स में। ड्राइंग वो चीज़ होती है जो इंसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है अपने अपने बिजनेस में से, जैसे बिजनेस में से तो उसने निकाला मिल्क, उनने मिल्क अपने बिजनेस में तो निकाला, जैसे किसी का भी मिल्क की दुकान होती है, उनने मतलब अपने घर के लिए भी तो कुछ निकालता होगा बिजनेस में, बिजनेस के मिल्क में से ही, इसलिए उसको हम कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग उसी को कहते हैं ड्राइंग, वो वाली ड्राइंग नहीं जो आप ड्राइंग बनाते हैं, ये वही वाली ड्राइंग है जिसमें हम बिजनेस में से ही पैसा निकालते हैं। आइए एक बार हम इसकी डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन और गुड टेकन बाय द प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट होता है विड्रॉ करा जाता है गुड्स को, टेकन बाय द प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी है और पार्टनर निकालता है फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल काम के लिए। गुड्स सो टेकन बाय द प्रॉपर्टी है और पार्टनर आर वैल्यू एट परचेज कॉस्ट, गुड्स सो टेकन बाय प्रॉपर्टी और पार्टनर आर वैल्यू एट परचेज कॉस्ट, ये आपके परचेज कॉस्ट पे ही आएगा, ये नहीं कि आप कितना बेचने वाले थे, आपने जितने में खरीदा आपके उतना ही माइनस होगा, इससे ज़्यादा माइनस नहीं होगा, क्योंकि आप बेचने वाले थे, आपने बेचा तो नहीं, आपने जितने में खरीदा उतना ही आपको नुकसान हुआ। ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग जो है आपको नुकसान ही करती है, क्योंकि वो आपके इन्वेस्टमेंट को घटा देते हैं, आप मिल्क बेच देते हो आपको 24 रुपये का फायदा हो जाता है, लेकिन आपने निकाल लिया तो वो आपको नुकसान ही हुआ, इसलिए बिजनेस ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ऑनर। ये आपका यहाँ तक मैंने आज खत्म करा दिया पार्ट 1। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नीचे कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।